फैशन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं आज आपको ढोलक पे ढोलक का जो पहला लेसन है वो बताऊंगा। और ढोलक आप अगर बजाना चाहते हैं तो लेसन बाय लेसन अगर देखेंगे तो आप ढोलक को सीख लेंगे, ठीक है। ये मैं पहला लेसन आपको बता रहा हूँ और पहले लेसन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और तैयार करें। अगर वो अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपका हाथ भी तैयार होगा और हाथ तैयार होगा तभी हम ढोलक को अच्छे से बजा पाएंगे, ठीक है। ढोलक में हमें एक एक लेसन पे जो है एक एक वीक दो दो वीक कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होता है और जो प्रैक्टिस करता है वही उसको कवर कर पाता है, जो प्रैक्टिस से भागता है उसके लिए ये सब चीजें मुश्किल होती है। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रैक्टिस से भागते रहते हैं हमेशा, उनको प्रैक्टिस ना करना पड़े खाली लेकिन बजाना आ जाए, लेकिन ये सब चीजें जो है ना बहुत मेहनत की है। इनमें जो जब कोई बहुत ही मेहनत करता है तभी वो उसका फल मिलता है उसको और तभी वो उसमें जो है एक सक्सेस हासिल कर पाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो मैं पहला वेरिएशन आपको बताऊंगा उसको आपको एक वीक तक प्रैक्टिस करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक वीक तक प्रैक्टिस करेंगे स्पीड बढ़ाएंगे तभी आपका हाथ चलेगा, ठीक है। बस ये हमारा वेरिएशन है, ठीक है। धा धा ती टे ता ता ती टे धा धा ती टे ता ता ती टे। इधर हमको अपना ये वाला बेस जो है इसमें आपको सेकंड फिंगर ये वाली धा धा, ठीक है। धा में आपको ये सेकंड फिंगर लेनी है और इधर ये फर्स्ट फिंगर किनार पे धा धा इस तरह इस तरह धा धा ती टे। ती में आपको ये फिंगर चिपकानी है धा धा ती टे ती ती टे, ठीक है। धा धा ती टे ता 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 में ये फिंगर हमारी खुली रहेगी ता ता इस तरह और हाथ को बिल्कुल लूज रखना है, बिल्कुल लूज रख करके हमें मारना है ता ता ती टे इस तरह धा धा ती टे धा धा ती टे। और अगर पूरा नहीं आता है तो पहले धा धा ती टे धा धा ती टे धा धा ती टे इसको आप तैयार करें, ठीक है। इधर हम ले लेंगे ये धा धा, देखिए ये फिंगर हमारी जो है यहाँ पे लग रही है, ये जो हमारी स्याही लगी होती है इस स्याही में आपको ये अपना हाथ यहाँ पे ऐसे रखना है और ये हाथ हमेशा ऐसे मोड़ के रखा जाता है। इधर वाला हाथ कभी सीधा, जब कभी हम कोई तिरकी लेते हैं तब ये सीधा होता, नहीं तो ये ऐसे ही रहता है। तो ये आपका पोजीशन है मान के चलो ये, और यहाँ पे ऐसे ये हल्का, यहाँ पे बहुत हल्का रहता है ये टच इस तरह, ये स्लाइड हो गया धा धा या धी, धीमे भी ये हमारा लगता है और इस तरह आपको रखना है। तो धा 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 ती टे धा 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 में ये फर्स्ट फिंगर और इधर ये दोनों एक साथ लेने हैं धा धा ती टे धा धा ती टे। फिर ता ता में अपना हाथ ये खोल के आप ऐसे रख लेना धा धा ती टे ता ता। यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, ये अपना यहाँ पे चिपका भी सकते हैं हटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसे रख लेते हैं तो और अच्छा आपका बेस बनेगा बजाने में। धा धा ती टे, ठीक है। धा धा ती टे फिर ता ता ती टे ता ता ती टे, चार चार बोल आप आराम से तैयार करें। पहले तो धा धा ती टे, ठीक है। धा धा ती टे धा धा ती टे धा धा ती टे धा धा ती टे। फिर जब ये बोल तैयार हो जाए चार, तब चार और ता ता ती टे ता ता
बाद में उनको हम मिला देंगे आपस में, देखिए जैसे मैं इधर जो है मैंने इसको हाथ को यहाँ पे ऐसे लगा लिया, इस तरह आप इसको हाथ को रख सकते हैं। उसके बाद में ये चीज आपको कम से कम 2 दिन इसी स्पीड में बजाना है, बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ाना है। और साथ में बोल को बोलना भी है, बोल को अगर आप बोलेंगे तो जहन में बोल बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, आगे आप भी किसी को अगर सिखाएंगे तो वो आपके लिए फिर काम करेगा। धा धा तीट ता ता तीट धा धा तीट ता ता तीट। अब ये चीज 2 दिन पहले सुलो में बजाना, फिर थोड़ी स्पीड बढ़ाना, क्योंकि एकदम से अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपका हाथ टाइट होगा, हाथ में दर्द होगा, आप स्पीड बढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, ये स्पीड आपकी चौथे दिन आनी चाहिए, उससे पहले आपको इधर वाला हाथ बिल्कुल खुला रखेंगे, हाथ जितना लूज रहेगा उतने बढ़िया साउंड आएगा। और हाथ इधर वाला भी लूज रखना है, इसमें इसको टाइट नहीं करना बहुत ज्यादा, ये जितना लूज रहेगा उतना इधर अच्छा बेस बोलेगा। ठीक है, अच्छा इधर जो है कभी कभी हम आगे उखर, वो आगे आपको करना, अभी करना नहीं है, हम एक बार बीच वाली फिंगर लेते हैं, एक बार सिंग ये फर्स्ट वाली फिंगर लेते हैं, दोनों फिंगर हमारी चलती है ढोलक में इस तरह से। ठीक है, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है, स्पीड बढ़ाना है। आइए थोड़ा स्पीड में देखते हैं, स्पीड में लाना है अपने हाथ को, दादा तीते ताता तीते दादा तीते ताता तीते दादा तीते ताता तीते। ठीक है, ये इस तरह से आप जब बजाएंगे तो आपका हाथ भी तैयार होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आप ढोलक को सीख पाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपके लिए वीडियो, ये फर्स्ट लेसन है, मैं आपको इसके बाद सेकेंड लेसन लेसन बाई लेसन देता रहूंगा, आप उसको जो है प्रैक्टिस करें। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, हाथ नहीं चल रहा या हाथ टाइट हो जा रहा है, तो फिर आपको क्लास लेनी पड़ेगी, साथ में बैठना पड़ेगा। साथ में जब आप हमारे बैठेंगे तो हम आपको बजाते हुए देखेंगे आपका हाथ कैसे चल रहा है, आपके हाथ की पोजीशन क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं ढोलक बजाने में, हाथ किस तरह यूज करें या जब आप बजाते हैं तो हाथ कहाँ पे टाइट होता है, ये आपको सिर्फ सामने सुन करके बताया जा सकता है। कि जैसे आपका साउंड जो होता है बजाने का, वो आपका टीचर जब सुनता है तभी आपको बता पाता है कि आपका हाथ टाइट है या लूज है, और वो आपको बार बार बोलता है कि हाथ को कैसे रखना है, तो वो जब सामने बैठते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से हम सीख पाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे हमने वीडियो बना के दिया, आपने हमारा वीडियो देखा तो हमारा बजा लिया, किसी और का सामने आया तो उसका बजा लिया,
और वो कौन सा वेरिएशन था वो भी पता नहीं। जब कोई चीज सर्कल में चलती है तभी उसमें सही हमको शिक्षा मिलती है, सही तरह से तैयार हो पाते हैं। जैसे हमारी पढ़ाई होती है, अब 5 साल का बच्चा हुआ तो फर्स्ट क्लास में जाता है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। कभी ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट से एकदम से वो 10th में पहुंच जाए। और यूट्यूब पे यही है, यूट्यूब पे कभी फर्स्ट है तो कभी 10th है, कभी 8 है, कभी 7 है, कभी 11 है, कुछ भी है। तो उसमें कोई टास्क आपको सर्कल में नहीं मिलता। जब आपको सर्कल में कोई सिखाता है तभी आप अच्छा सीख पाते हैं। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इसके बाद हम आपको सेकेंड लेसन देंगे, उसको भी आप प्रैक्टिस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।